नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ ओनिका। आज हम बात करेंगे कश्मीर की प्रसिद्ध पैड वेमेन की, इरफाना जरगर, जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, जो पिछले 9 वर्षों से पीरियड्स के स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चला रही हैं। कश्मीर की प्रसिद्ध पैड वेमेन इरफाना जरगर पूरे कश्मीर में इस मुद्दे पर लोगों के कठोर रवैये से लड़ रही हैं। जी हाँ, 31 वर्षीय कश्मीरी महिला इरफाना ने आवाज़ द वॉइस को बताया कि वे हर महीने लगभग 500 ज़रूरतमंद महिलाओं को नियमित सैनिटरी पैड का वितरण करती हैं। यहाँ तक कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी वो श्रीनगर शहर में मीलों पैदल चली ताकि उन महिलाओं की मदद की जा सके जिनके पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं हैं। साथ ही वे पुरुषों को भी इस अभियान से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हैं ताकि पुरुष भी महीने के उन दिनों में महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों और अन्य समस्याओं को समझ सकें। इरफाना के मुताबिक कश्मीर में लोग अपने घरों में संगमरमर का फर्श लगवाने पर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन वे अपने जीवन से जुड़ी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का एक पैकेट खरीदने के लिए 40 रुपये तक खर्च नहीं करते। इरफाना के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान महिलाएं नॉर्मल दिखती ज़रूर हैं, लेकिन जिस दर्द से वो गुजरती हैं उसका अंदाज़ा आप और मैं नहीं लगा सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हम उन महिलाओं को आराम दें, उनकी देखभाल करें। कभी कभार कश्मीर के दूर दराज के इलाकों की यात्रा करती हुई इरफाना कहती हैं कि लोगों को मासिक धर्म के स्वास्थ्य के बारे में कोई समझ और जागरूकता है ही नहीं और खराब स्वच्छता है। कश्मीर में महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स ठीक ही नहीं हैं। मासिक धर्म की जानकारी के अभाव के चलते बहुत सी महिलाओं को बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसके बाद उनको माँ बनने में परेशानी होती है, जिससे उनके तलाक तक हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक है, मासिक धर्म की शिक्षा और उसकी जागरूकता। नमस्कार।